सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। जैसे कि गाइस आपको न्यू मिस्टर वन कैरेक्टर का एबिलिटी बताएंगे, इसी के साथ गाइस उसका फर्स्ट लुक रिलीज हुआ उसके बारे में बात करेंगे, इसी के साथ गाइस उसका रियल लुक भी दिखाएंगे। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन मैंने कल वीडियो के एंड में पूछा था, तो गाइस उसका विनर कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये क्या चीज़ है इसको भी डिटेल्स में बात करेंगे। इसी के साथ गाइस बरमूडा मैप को लेकर, जो बरमूडा रिमास्टर्ड मैप है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसी के साथ गाइस कालाहारी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारा मिस्टर वन कैरेक्टर है आखिर उसका गेम का लुक कैसा होने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू मिस्टर वन कैरेक्टर। जब ये गेम में आएगा तो कुछ इस तरीके का ये कैरेक्टर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा गेम के अंदर। अब गाइस इसकी जो एबिलिटी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो गाइस आप चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो इसको एंड करने के बाद। उसके बाद गाइस बात करें अगर इसके रियल लुक की, तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा इसका रियल लुक जो कि कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये बेसिकली शायद यहाँ पे जितना लिंक्स निकल के आया है शायद ये इजिप्ट का रहने वाला है, बाकी इतना ही लीक्स निकल के आया है। और गाइस एक और भी पोस्टर यहाँ पे रिलीज हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे फ्री फायर का बहुत सारा कैरेक्टर आप देख सकते हो। जैसे एकदम साइड में एल्वारो है और एकदम लेफ्ट पे आप लोगों को यहाँ पे लुकोटा देखने के लिए मिल जाएगा, और बीच में यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा हमारा मिस्टर वन कैरेक्टर, और एंड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा इलाइट कैली आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे बीच में आप लोग कैली को भी देख सकते हो, जो ये चार कैरेक्टर है वो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पे आप लोगों को जो इलाइट पास का यहाँ पे लूट बॉक्स होने वाला, तो आखिर वो लूट बॉक्स कैसा होने वाला है। इस बार का जो इलाइट पास है इस पूरा वीडियो निकल के नहीं आया, सिर्फ एक यहाँ पे लूट बॉक्स निकल के आया है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये वाला लूट बॉक्स आप लोगों को नेक्स्ट इलाइट पास के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और गाइस ये हो सकता है यहाँ पे कार्ड के ऊपर बेस करके बनाया जाए। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और नेक्स्ट पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में कौन सा बंडल देखने के लिए मिल सकते हैं उसके ऊपर चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते। तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू गोल्ड रॉयल का बंडल। अब गाइस ये जो बंडल है ये आप देख सकते हो नहाने के बाद जो मतलब लड़की लोग जो यहाँ पे टावल रख देता है कुछ उस तरीके का यहाँ पे बंडल को बनाया गया है, और गाइस ये बहुत जल्द आप लोगों को गोल्ड रॉयल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। जितना यहाँ पे लीक्स निकल के आया है उसी के हिसाब से यही पता चल रहा है कि आप लोग को ये वाला गोल्ड रॉयल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और गाइस ये जो फीमेल वाला बंडल है, फीमेल बंडल जब भी आता है तो इसके साथ एक और मेल बंडल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस चलिए अभी देख लेते हैं कि मेल बंडल कैसा है दिखने में। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा मेल बंडल। अब गाइस ये मेल बंडल ज़्यादा अच्छा या फिर फीमेल वाला बंडल ज़्यादा अच्छा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इन दोनों बंडलों में से सबसे ज़्यादा ओपी और सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कौन सा वाला बंडल लगा है, क्योंकि गाइस मुझे पता चलेगा तो गाइस ये मैं एक दिमाग में आइडिया रहेगा कि कौन सा वाला बंडल आएगा, तो गाइस यहाँ पे आप लोग निकालना चाहोगे। बाकी गाइस गोल्ड रॉयल के अंदर कोई भी बंडल आता है तो गाइस आप लोग तो निकाल ही लेते हो। सो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को नेक्स्ट इंक्यूबेटर में कौन सा बंडल देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू नेक्स्ट इंक्यूबेटर का बंडल। अब ये चारों बंडल आप लोगों को इंक्यूबेटर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और गाइस ये जो बंडल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा फनी लुक आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है गेम के अंदर, क्योंकि गाइस मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो बंडल है ना, अगर गाइस आप इसको देखोगे तो गाइस ये कुछ इस तरीके का होने वाला है जैसे आप कार्डबोर्ड से किसी भी चीज़ को बनाते हो तो कैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा यहाँ पे दिखने वाला है। कार्डबोर्ड जैसा लुक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला बंडल के अंदर। अब गाइस ये इसका अभी वीडियो तो निकल के नहीं आया, जैसे ये वीडियो निकल के आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसके लिए गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। बाकी गाइस यहाँ पे पिक्चर में जितना यहाँ पे पता चल रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है यहाँ पे ये थोड़ा सा फनी टाइप का लुक देने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो कुछ नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं न्यू क्वाड गन के बारे में, आखिर क्वाड गन आप लोगों को कैसा होने वाला है, क्या दिखने वाला है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो कुछ चैनल पे जाकर उसको भी देख सकते हो। बाकी गाइस चलिए यहाँ पे आपको एक और बार दिखा देते कि जब आप क्वाड गन को हाथ में पकड़ोगे तो कैसे कुछ किस कैसा दिखने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू क्वाड गन। अब ये वाला गन आप लोगों को ये OB27 अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और गाइस ये वाला गन एक मिड रेंज गन होने वाला है। तो चलिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि मिड रेंज गन कैसा होता है, क्या किसे कहते हैं मिड रेंज गन। गाइस अगर आप लोग स्कार चलाते हो तो गाइस स्कार अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे क्लोज रेंज पे चलाते हो तो गाइस क्या होता है, इसका मतलब 20 के ऊपर डैमेज आता है 26-27 करके, लेकिन गाइस जब थोड़ा सा दूर हो जाता है तो गाइस क्या होता है 6-7 करके डैमेज दे देता है। मतलब 6-7 जब देता है तब आप ये सोच के मान लो कि आप बहुत दूर के एनिमी को मार रहे हो, इसलिए गाइस आपको 6-7 करके डैमेज आ रहा है। तो गाइस ये सारा गन होता है मिड रेंज गन। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं मिड रेंज के ऊपर जो लॉन्ग रेंज होता है कैसा होता है। तो गाइस लॉन्ग रेंज के
कि अगर बात करें तो गैस यहाँ पे एके हो गया, ड्रैगन ऑफ हो गया, ये सारा लॉन्ग रेंज का गन होता है। मतलब बहुत ज़्यादा दूर अगर आपको एनिमी दिख रहे हो तो मारोगे तो गैस आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे मिल जाता है। तो गैस बात करें अगर क्वाड गन की डैमेज की, तो क्वाड गन की भी डैमेज यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 से ऊपर रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी और ओपी बात होने वाला है। तो गैस चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट पे गैस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कलाहारी मैप के बारे में। सो गाइस अब देख सकते, ये रहा हमारा कलाहारी मैप को लेकर एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़। ये पेट के मुंह पे आप लिखा हुआ है देख सकते हो, कलाहारी विल बी ऑप्शनल टू डाउनलोड। अब गाइस इसका मतलब क्या है सबसे पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि गाइस आप परगेटरी मैप का क्या होता है, अगर आप परगेटरी मैप को डाउनलोड करोगे डाउनलोड सेक्शन में जाकर, तो आपको परगेटरी मैप पे यहाँ पे गेम खेलने के लिए मिल जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो परगेटरी मैप में आप गेम नहीं खेलोगे, तो गाइस आप क्या करते हो, सिंपली परगेटरी मैप को आप डाउनलोड नहीं करते। और गाइस अगर परगेटरी मैप यहाँ पे डाउनलोड हो भी जाता है, तो गाइस आप गेम के अंदर जाकर परगेटरी मैप को डिलीट भी कर सकते हो। बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कलाहारी मैप के अंदर। कलाहारी मैप क्या होता था गाइस पहले, मतलब अगर आप रैंक गेम खेलोगे या फिर आप लोग यहाँ पे क्लैश स्क्वाड खेलोगे, तो गाइस ऑटोमेटिकली कलाहारी मैप आ जाता था। लेकिन गाइस मुझे पर्सनली बताऊँ तो कलाहारी मैप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आता था। आप लोग को भी शायद गुस्सा आता हो कि गाइस कलाहारी मैप उतना ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अब कैसा होने वाला है कि अगर आप चाहो कलाहारी को डाउनलोड करना, तो आप कलाहारी को डाउनलोड कर। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो कि कलाहारी पे नहीं खेलना, तो गाइस आप सिंपली कलाहारी को डाउनलोड मत करो। तो गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट पे गाइस आप देख सकते हो एक और पिक्चर यहाँ पे निकल के आया है, जहाँ पे लिखा हुआ है द हाईली एंटिसिपेटेड मैप इज कमिंग बैक, बर्मुडा रिमास्टर्ड विल बी परमानेंटली ओपेंड। यानी गाइस इसका मतलब मैं आपको बता दे, तो बर्मुडा रिमास्टर्ड जो मैप था गाइस, अब आपको ना ही डाउनलोड करना होगा ना ही यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे ओबी 26 का अपडेट जब आया था, तो गाइस उसके अंदर बर्मुडा रिमास्टर्ड वाला मैप नहीं था। लेकिन गाइस अभी जो अपडेट आया है इसके हिसाब से गाइस, जैसे ओबी 27 अपडेट आ जाएगा, तो गाइस आपको बर्मुडा रिमास्टर्ड मैप ना ही डाउनलोड करने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। आपको सिंपली जैसे कलाहारी मिल जाता है या फिर बर्मुडा जो ओल्ड वाला मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको मिलने लगेगा ये वाला मैप। तो गाइस ये हो चुका है आपका सारा अपडेट। तो गाइस चलते हैं अभी मेन टॉपिक की ओर। कल जब मैंने आपको एक पिक्चर दिखा के नाम पूछा था, तो गाइस उसका नाम यहाँ पे स्काईविंग। तो गाइस किसने इसका सबसे सही जवाब दिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके वीडियो के एंड में। उससे पहले मैं आपको स्काई लुक का लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका काम क्या होने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा स्काईविंग। अब गाइस आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर स्काईविंग किस बला का नाम है, किस चीज़ का नाम है। तो गाइस यहाँ पे धैर्य रखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये किस काम में आने वाला है और कैसे आप इसको यूज़ करोगे। तो गाइस ये फिलहाल अभी नहीं आया, जैसे ओबी 27 अपडेट आ जाएगा तो आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा ये स्काईविंग। सो गाइस चलिए अभी बात करते हैं कि आखिर स्काईविंग का काम क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आपके पास ये स्काईविंग होगा, तो गाइस क्या होगा, जैसे प्लेन से यहाँ पे लैंड करते हो, सबसे पहले आप सर्फबोर्ड लेते हो, सर्फबोर्ड के बाद आप पैराशूट से नीचे उतर जाते हो। लेकिन गाइस अभी क्या होने वाला है, जैसे स्काईविंग आ जाएगा, तो गाइस आप पैराशूट से नहीं उतरोगे, तब आप इस स्काईविंग से उतर सकते हो। और गाइस जहाँ तक यहाँ पे लीक्स निकल के आया है कि पैराशूट से ज़्यादा जल्दी आप स्काईविंग से उतर सकते हो। तो गाइस ये हो चुका है आज का सारा अपडेट। तो गाइस चलिए अभी बात करते हैं किसने यहाँ पे सही जवाब दिया था कल के वीडियो में। सो गाइस आप देख सकते हो सही जवाब दिया था यहाँ पे रिंकू के आर ने। तो रिंकू के आर सिस आपको मेरी तरफ से एक बिग शाउट आउट। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।